एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं घर के सारे काम करके अभी निपट गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पे निशवान के ना नाखून काट रही हूँ, और हर हफ्ते में काटती हूँ, संडे को ही काटती हूँ। और फिर अभी इसको नहलाऊँगी, अभी तक ये नहाया नहीं है। मेरे बाकी सारे काम हो गए हैं, बस रोटी बनाना रह गया है। तो अब मैं पहले इसको नहलाऊँगी, उसके बाद जो है रोटी बनाऊँगी। आज संडे है ना, तो काफ़ी फ्री होके खेल रहा है, तो मैंने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला। तो अब मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह जो धुल के डाले थे ना, सूख गए, तो अब इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी। फिर अभी और भी मुझे कपड़े धोने हैं। एवरीवन, तो गुड आफ्टरनून। अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो मेरे घर का सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। सब्जी मैंने पहले बना दिया था, आज सब्जी जो है नहाने से पहले बना दिया था। तो चलो, तो अब मैं जा रही हूँ बनाने रोटियाँ। और मैं नहा के ना मैंने पूजा पाठ कर लिया है। और तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाली वी साली में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूँ शाली। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और कल है जन्माष्टमी। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। और हाँ, जन्माष्टमी होता है बेटा। अच्छा। तो मैं जो है ना पूजा करते हुए जल्दी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ना कि कैमरे का एंगल सही है, हम कैमरे में सही आ रहे हैं, तो सारा फोकस ना पूजा पे नहीं होके वीडियोस के ऊपर जाता है। तो इसलिए मैं कभी भी बहुत कम केसेस में पूजा करते हुए ब्लॉगिंग करती हूँ, अदरवाइज मेरी आदत है मैं पूजा करते हुए। क्योंकि यार हम अपनी जर्नी दिखा रहे हैं, कम से कम भगवान का पूजा तो हमें जो है ना सच्चे मन से करना चाहिए। और भगवान की अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो पूजा पूजा के ऊपर ध्यान हमारा पूजा के ऊपर ही होना चाहिए, भगवान के ऊपर ही होना चाहिए, ना कि किसी अदर चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि हम हमारी वीडियोस बन रही है, सही एंगल तो आ रहा है कि नहीं, हम पूजा करते हुए सही से दिख रहे हैं ना। तो वो सारा का सारा ध्यान जो है ना वीडियोस के ऊपर आप ना चाहोगे ना तो भी जाएगा। तो इसलिए ना मैं पूजा पाठ करते हुए बहुत कम वीडियो बना पाती हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे खुद को ना अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको मैं जो मेरी पर्सनल लाइफ में है, तो उनको मैं पब्लिक बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती हूँ। बहुत कम केस में वीडियो चल रही है और मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, तो वो वीडियो बन जाती है, और उस पर भी मैं वीडियोस पे जल्दी फोकस नहीं करती हूँ। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मैं वीडियोस के ऊपर फोकस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं भगवान की पूजा कर रही होती हूँ, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ अपने आज की वीडियोस में। तो मैं पूजा पाठ जो है ना रेगुलर करती हूँ, लेकिन वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मैं अपने भगवान की पूजा कर रही हूँ तो उस पे से मेरा ध्यान जो है हट जाए। तो आज मैं रेडी हो गई हूँ, और अभी मेरा जो है ना सिंदूर नहीं लगाया मैंने। मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ तो कमी रह गई, सिंदूर नहीं लगाया है। और आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये वाला सूट निकाला है, और सच्ची बताऊँ कितने सारे कलेक्शन हैं, कितने सारे सूट ऐसे हैं जो कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पास मतलब कितने ड्रेसेस हैं। और अभी तक बेटा पैंट नहीं पहने, सीधा ही नहीं हो रहा है, उल्टा ही किए जा रहे हो बार बार, क्या कर रहे हो आप इसके साथ? सीधा ये पकड़ो, सीधा सा तो है, मत पहनो, दूसरी पहन लो पैंट। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मतलब क्या बोल रही हो, तो मुझे खुद को पता नहीं होता कि मेरे पास कितने सारे सूट है, कितनी सारी कुर्तियां हैं, कितने सारे कपड़े हैं। मुझे मैं भूल जाती हूँ, जब मैं कवर खोलती हूँ या फिर ढूंढने की कोशिश करती हूँ ना, तब जाके मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे पास यार ये भी सूट था। तो ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मेरे मेमोरी से बाहर है, मेरी याद से बाहर है। तो ये रहा मेरा सिंदूर, सिंदूर भी लाना है मुझे, निकल ही नहीं रहा है। क्या तुम एक पजामा नहीं पहन पा रहे हो क्या? अरे पहन तो लिया। तो चलो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। एक बार मैं आपको अपना फुल लुक दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है? और अदरवाइज ये तो इधर उधर दौड़ता ही रहेगा। तो मैं एक बार अपना फुल लुक दिखाने की आपको कोशिश करती हूँ कि
की आई होप सो की नजर आ जाए। तो ये धोती स्टाइल कुर्ती है और अभी थोड़ी सी लूज हो गई है बीमारी के बाद ना, अभी फिटिंग करनी बनती है, थोड़ी सी तो फिटिंग करनी पड़ेगी और बहुत सुंदर लगता है। और नीचे से कैसे दिखाऊं आपको, वन मिनट। तो नीचे से ये कुछ ऐसा धोती स्टाइल है और यहाँ से ये इसका पैटर्न है। तो ये पूरा ना धोती स्टाइल है पूरा, मतलब तो ये धोती स्टाइल कुर्ती है। और ये सूट जो है ना, मैं बताती हूँ आपको मुझे किसने दिया था, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने गिफ्ट किया था। और आज जो है मैंने लिपस्टिक, आप लोग पूछोगे तो मैं बता ही देती हूँ, लिपस्टिक जो है आज मैंने हुड्डा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक लगाई है। और ये शेड जो है ना फेयर लोगों के ऊपर बहुत मस्त लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। और अब मैं आ गई हूँ एसी के सामने और आपको बता दूँ अभी होने वाली है बारिश बहुत ज़ोरदार वाली। तो चलो मैं कपड़े उतार लेती हूँ, जो मेरे कपड़े सूख गए हैं, अदरवाइज़ वो जो है भीग जाएंगे। और चूड़ियाँ भी आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में कहोगे। तो आज मैंने ये मीशो वाली बैंगल सेट पहना है, ये देखो ये वाला कॉम्बिनेशन पहना है मैचिंग मैचिंग करके। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना मेरा आज का बैंगल सेट कैसा लग रहा है। इस पर मैं जा रही हूँ शॉर्ट वीडियो बनाने और आप लोगों को बहुत पसंद है शॉर्ट वीडियो, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस, बाहर मैंने जो है कपड़े धोने के तेल लगा दिए मशीन में हस्बैंड के, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए आ गई थी। एक्चुअल में मैं पूड़ी बना रही हूँ। और हाँ, कल मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। थैंक यू सो मच डियर, हम बेड पे खाना नहीं खाते हैं, बट सिर्फ मैं वीडियो शूट कर रही थी, खाना हम हमेशा नीचे ही खाते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम बेड पे जो है खाना नहीं खाते हैं, वो तो बस मैं वीडियो, लेकिन आपने मुझे बताया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो थैंक यू डियर। और सच्ची में जो है बेड पे ना खाना नहीं खाना चाहिए और नहीं खाते हम लोग बेड पे, जल्दी खाना नहीं खाते हैं। कभी कभी मैं निशवान को जो है बेड पे खाना खिला देती हूँ, तो बस ऐसा ही है। और अब जो हस्बैंड के कपड़े धुल गए हैं, मैंने जो लंच वगैरह कर लिया है, तो अब हस्बैंड के जो कपड़े धुले थे मैंने उसको डाल दूंगी। पहले तो मैं नहीं डाल रही थी धोने के बाद, क्योंकि अभी भी मौसम देख रहे हैं कि पूरा बदली हो रखा है, पूरी काली बादल हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोरदार बारिश हो जाएगी, लेकिन हुआ ही नहीं। मैं तो इंतज़ार ही करते रह गई, फिर बहुत इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने सोचा कि शाम को कहीं मुझे डांटना पड़ने लग जाए कि यार तूने कपड़े तो धो दिए लेकिन तूने सुखाने के लिए नहीं डाले, तो इसीलिए मैं इन कपड़ों को फटाफट सूखने के लिए डालूंगी। हालांकि सूखेंगे तो नहीं, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े हैं काफ़ी मोटे कपड़े हैं, मेरे कपड़े तो इतने हल्के होते हैं कि एक घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन हस्बैंड के नहीं सूखते हैं। तो अभी मैं फटाक से वही डाल रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो बारिश आएगी तो जबकि जब देखा जाएगा, तो फिर यही सोच के फिर मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और आज निशवान की छुट्टी है तो काफ़ी फ्री है, और कल जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग भी जन्माष्टमी मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े मैंने डाल दूँगी और उसके बाद आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूँगी, फिर रेस्ट करने के लिए जाऊँगी। घर में ही रहती हूँ लेकिन इतने बड़े घर में ना चलते चलते भी ऐसा लगता है कि मतलब कितनी ज़्यादा थकान हो गई है, कितना काम कर लिया हो, मतलब कितनी मेहनत कर लिया हो, ऐसा लगने लग जाता है कभी कभी। मतलब घर के अंदर ही चक्कर काटते काटते ना हालत ख़राब हो जाती है, लगता है कि पता नहीं क्या कर लिया हो, बहुत मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। शाम के 4-5 बजते बजते ना ऐसा लगता है कि जैसे सुबह बैटरी चार्ज हो और शाम के 4-5 बजे तक पूरी बैटरी लो हो जाती है शरीर की, है ना। सिर्फ घर के अंदर ही, कभी बाहर आओ बालकनी पे आओ, कभी कपड़े धोने के लिए लगाओ, कभी पानी भर, कभी नहलाने के लिए जाओ, तो कभी कपड़े फोल्ड करके रखने के लिए जाओ, इन्हीं सब में ऐसा मतलब टाइम वो हो जाता है कि जैसे पता भी नहीं चलता है, है ना, ऐसा मेरे साथ तो होता है। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मम्मी के चैनल पर। ठीक है, हो गया स्वागत। अच्छा हाँ, सिर्फ इंट्रो तो मैंने की है ना। हाँ, बाय बाय, इंट्रो हो गया आपका। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और 5 बजने वाले हैं, और आज काम करते करते ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। तो ये वाली कुर्ती ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई नाइट वेयर पहन रखा है। 2 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ,
कुछ भी पहन रही हो ना तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी सी लग रही है। तो चलो अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ, एक कप चाय बनाऊंगी। और अभी मैंने कपड़े धोए हैं, अभी खचिया भर और कपड़े हैं जिसको मुझे धोना है। तो ये 5 का सिक्का लेके घूम रही हूँ मैं कब से। तो कपड़े धोने हैं, और आप सभी को अगर चाय पीनी है तो मेरे साथ आ जाओ, मैं चाय पीने जा रही हूँ। और चाय मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहता है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग सुनते आए होंगे अपने बड़ों से कि ये हमारे शुभ चिंतक है, ये हमारे शुभ चिंतक है। मैं भी बहुत बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है, खासकर अपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना है, ये हमारे शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक का मतलब ये होता है कि मतलब हमारी हर खुशियों में ये शामिल है। और मतलब अगर आपके घर में कोई भी खुशी है, आपके घर में कोई शामिल है, आपके सुख दुख में कोई शामिल है, तो शायद उसको शुभ चिंतक कहते हैं। वो दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पास के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, शुभ चिंतक। तो हम जिनको शुभ चिंतक कहते रहते हैं, तो हम जिनको शुभ चिंतक करते रहते हैं, क्या पता आपका शुभ होता देख के सबसे ज़्यादा चिंतित वही हो जाते होंगे। तो मेरी इस बात से कितने लोग जो है एग्री करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हमारा कोई भी हो सकता है गाइस, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कभी कभी हमें गलत फहमियाँ हो जाती है, हम बोलते हैं ये हमारे शुभ चिंतक हैं, इनसे मिलिए ये हमारे बहुत अच्छे शुभ चिंतक हैं, यही बोलते हैं ना मोस्टली लोग, पहले यही बोलते थे ये हमारे शुभ चिंतक हैं। तो मैंने भी बहुत बार सुना है, और शायद मैंने भी बहुत सारे लोगों को बोला है कि ये हमारे अपने हैं, ये हमारा शुभ चिंतक है। मैं किसी पर्टिकुलर के ऊपर ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं एक कॉमन सी बात बोल रही हूँ जिसे आप सब एग्री करते होंगे। ऐसा होता है कि हम बहुत ही बार किसी को अपना शुभ चिंतक समझने की गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जिसको शुभ चिंतक करते रहते हैं वो हमारा ही शुभ होता देख के सबसे ज़्यादा चिंतित वही हो जाते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। शुभ चिंतक वही होते हैं जो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं, या फिर पास के रिश्तेदार होते हैं, या फिर कोई और होते हैं। तो मैं पर्टिकुलर अपने ऊपर नहीं ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब मेरे इस बात से कितना ज़्यादा एग्री करते हैं कि ये चीज़ें मतलब कौन कौन लोग फील करता है ना। आपको भी लगता होगा कि यार ये तो हमारे मुंह पे हमें अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, और हमारे पीठ पीछे वही लोग हमारे पीठ पीछे बुराइयां करते होंगे, बहुत सारी चीजें करते होंगे जो कि आपको नहीं पता होगा और हमें भी नहीं पता है। तो एग्री करते हो तो कमेंट करके बता देना। बाकी तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और कैसा लगा मेरा आज का ये छोटू सा ब्लॉग मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और आप लोगों के प्यार सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करो गाइस, प्यार दिखाओ अपना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाएं। कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ अच्छा अच्छा ब्लॉग शेयर करने की, बट कोशिश ही कर सकती हूँ, वादा नहीं कर सकती हूँ, वादा टूट जाता है, कोशिश हमेशा कामयाब रहे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो देखो सबकी अपनी 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 सोच होती है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता। मैंने बहुत लंबी चौड़ी बातें कर दी और मैं पूरा स्वेटिंग से ना भर चुकी हूँ। तो चलो मैं चाय इंजॉय करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कहोगे तो मैं टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। और हाँ, मैं भूल जाती हूँ, कोई मुझसे कुछ कहता है ना मेरे अगले दिन वो दिमाग से उतर जाता है। तो नेहा ने मुझसे पूछा था कमेंट के ऊपर ब्लॉक करने के ऊपर, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, मैं आज ही आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दूंगी, तो आप मैसेज चेक कर लेना, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। और जाने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि शर्मा ब्लॉग्स, आई एम रियली सॉरी, अगर आपको गलत फहमी हो गई है या फिर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है डियर, तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि यार आप मेरे बहुत अच्छे फैमिली का हिस्सा हो, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हो। आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो, मुझे फील हो रहा है कि आप मुझसे नाराज हो। आपने मुझे कमेंट में जवाब दिया था कि आप मुझसे नाराज नहीं हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आप मुझसे नाराज हो। तो प्लीज़ दी नाराज मत हो, मैं आपको खुद बोल रही हूँ, हो सकता है आप मुझसे बड़ी हो। तो सॉरी टू से अगर आप